साथियों, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले गेस्ट टीचर की सैलरी और पॉलिसी का काम कैसे बनेगा, कौन बनाएगा और कब बनेगा, ये सभी गेस्ट टीचर जानना चाहते हैं, चाहे आप रिलीव हैं चाहे आप वर्किंग हैं। जो गेस्ट टीचर साथी वर्किंग हैं वो चाहता है कि हमारी सैलरी बढ़ जाए, हमारी पॉलिसी बन जाए, और जो साथी रिलीव हैं भैया वो कहते हैं कि सबसे पहले हमारी ज्वाइनिंग हो ताकि हम बढ़ी हुई सैलरी का लाभ ले सकें और पॉलिसी में हम भी इन्वॉल्व हो सकें। रिलीव वाले कैसे ज्वाइनिंग होगी, सैलरी कैसे बढ़ेगी, पॉलिसी कैसे बनेगी, ये जानने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो प्रयास हम कर रहे हैं वो सही दिशा में है या गलत दिशा में है। अगर हमारा प्रयास गलत दिशा में हो रहा है तो हमारी मेहनत तो बर्बाद जाती ही है, साथ में हमारा समय बर्बाद जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए समय ही है। इसलिए अपनी एनर्जी को, अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि समय से रिलीव साथी ज्वाइन हो सकें, सैलरी बढ़ सके और पॉलिसी बन सके, चाहे रिज्वाइनिंग को लेकर के हो, चाहे पॉलिसी हो, चाहे सैलरी हो। इन तीनों मैटर को लेकर के हमारे सामने चार चेहरे सामने आते हैं। पहला दिल्ली के LG साहब, दूसरा दिल्ली के मुख्यमंत्री, तीसरा दिल्ली के शिक्षा मंत्री एंड चौथे हैं उप मुख्यमंत्री यानी कि मनीष सिसोदिया जी। अब आप सोच रहे होंगे कि शिक्षा मंत्री और मनीष सिसोदिया जी को अलग क्यों कर रहा हूँ, तो जेल से रिहा होने के बाद मनीष सिसोदिया जी जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने अपने पद को वापस नहीं लिया है, तो फिलहाल शिक्षा मंत्री आतिशी मरलेना मैडम ही हैं, तो जो भी काम होंगे वो आतिशी मैडम के सानिध्य में होंगे। मुख्यमंत्री जेल में हैं तो उनकी जगह तब तक उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल काम संभाल रही हैं, तो उनका भी इन्वॉल्व रहेगा, चाहे सैलरी हो, चाहे रिज्वाइनिंग हो, चाहे पॉलिसी हो। फिर से चार स्टेप हैं इन कामों के लिए। पहला स्टेप हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट से परमिशन लेना, यानी कि भैया जो गेस्ट टीचर हैं वो शिक्षा विभाग का हिस्सा है, तो सबसे पहला काम शिक्षा विभाग का है। शिक्षा विभाग को पॉलिसी बनानी है, रिज्वाइनिंग को लेकर के हो, चाहे सैलरी को लेकर के हो। अच्छा, इसी बीच कुछ RTIs भी हमारे सामने आए, तो RTIs का क्या है, RTI वगैरह आए हैं, साथ में पीछे जो मनीष सिसोदिया जी ने 2021 के दिसंबर में, शायद 2021 ऐसा है, उसमें उन्होंने गेस्ट टीचर की सैलरी बढ़ाने को लेकर के ट्वीट किया था और वो बात वहीं रुक गई थी, तो अब वापस आए हैं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, तो उनको याद दिलाना ज़रूरी है मेरे हिसाब से, ताकि वो भूले तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं भाई वैल्यू हर कोई चाहता ही है कि मुझे वैल्यू दे, मुझे वेटेज मिले। सबसे पहला काम है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, भाई कितने गेस्ट टीचर हैं उनकी सैलरी बढ़ानी हो, पॉलिसी बढ़ानी हो। एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुखिया के रूप में हैं आतिशी मैडम, और चाहे आतिशी मैडम हो, क्योंकि अब मनीष सिसोदिया वापस आ गए, तो जो भी सलाह है वो आतिशी मैडम मनीष सिसोदिया के बिना नहीं करेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि साइन भले आतिशी मैडम के हो, लेकिन काम सिसोदिया ही करेंगे, क्योंकि सिसोदिया जी का जो नेचर आपने लगभग समझा, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, चाहे वो बच्चों के लिए हो, और चाहे कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन के रूप में गेस्ट टीचर्स के लिए हो, तो सकारात्मक ही रहा है, हम अंतर करें अगर आतिशी मैडम के लिए। तो सबसे पहला काम मनीष सिसोदिया जी यानी कि आतिशी मैडम का है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। उसका अगला स्टेप रहेगा, दूसरा स्टेप वो रहता है फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट ये देखता है कि जो सैलरी बढ़ रही है, जो पॉलिसी वगैरह की फाइल आई है, वो अप्रूव करनी है कि नहीं करनी है, उसमें क्या कमी है, क्या सही है। तो 7-8 साल से सैलरी नहीं बढ़ी है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी कोई अड़चन नहीं आएगी, आराम से वहाँ से भी फाइल पास हो जाएगी। पहला काम एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो कि शिक्षा मंत्री का काम है, फाइल बनाना, उसको आगे भेजना। फाइनेंस डिपार्टमेंट के बाद तीसरा स्टेप रहता है लीगल डिपार्टमेंट। भाई लीगल तरीके से भी देखना पड़ता है कि क्या किसी का कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा,
तो भैया 7 साल से सैलरी नहीं बढ़ी है, पॉलिसी बननी चाहिए, अदर स्टेट में बन रही है, तो भाई लीगल डिपार्टमेंट में भी कहीं कोई अड़चन नहीं आएगी एंड वहाँ से भी फाइल को हरी झंडी मिल जाएगी, आराम से कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब शिक्षा विभाग से फाइल बन के तैयार होगी, पहला काम फाइल फाइनेंस में जाएगी, वहाँ से भी हरी झंडी मिलेगी मिलेगी। उसके बाद अगला स्टेप लीगल डिपार्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसके बाद जाएगी विधानसभा में एंड विधानसभा में जो आम आदमी पार्टी के विधायक वगैरह हैं वो सारे के सारे एग्री करते ही हैं, भाई वो तो कह रहे कि हम तो गेस्टेचर के साथ हैं। और विपक्ष में जो बीजेपी के विदोड़ी जी हैं वो लगातार गेस्टेचर की आवाज़ उठाते आ रहे हैं, तो यहाँ तक संभव है कि वहाँ पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर वो फाइल आती है वहाँ तक। तो फाइल आती है तो देखिए, फाइल अगर आएगी ही नहीं तो फिर तो कह सकते हैं कि हवाई फायर है, चाहे राम विदोड़ी जी हों चाहे हमारे शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री हों, तो हवाई फायर ना हो इसलिए यहाँ तक फाइल बनेगी। उसके बाद का काम होता है एलजी साहब के साइन करने का, यानी कि एलजी साहब के पास सबसे लास्ट में फाइल जाती है। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि सबसे पहला अटैक वो एलजी के ऊपर करना गलत रहेगा, क्योंकि एलजी के पास तब जाना है जब फाइल शिक्षा विभाग से लेकर के फाइनेंस डिपार्टमेंट से लेकर लीगल डिपार्टमेंट से लेकर के विधानसभा के बाद एलजी साहब अप्रूव ना करें तब वहाँ की बात आती है। फिलहाल जो पहले उन्होंने ट्वीट किया था मनीष सिसोदिया जी ने, उस समय पंजाब में चुनाव थे और कहीं ना कहीं दिल्ली में भी सांसद वगैरह के चुनाव उस समय होने वाले थे जो कि पोस्टपोन हुए थे, तो जहाँ तक लगता है कि उसी चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए ये उन्होंने ट्वीट किया, घोषणा की थी। वो चुनाव अब 2025 जनवरी फरवरी में होंगे, दिल्ली में चुनाव हैं, तो उस चुनाव को लेकर के उससे पहले हरियाणा में चुनाव हैं, तो फिर फिलहाल संभावना ये जताई जा रही है कि फिर से कुछ ऐसी घोषणा हो सकती है। लेकिन भैया घोषणा से काम नहीं होता है, घोषणा इस समय काम नहीं करेगी, इस समय जो ग्राउंड लेवल पर रियल में फाइल बने और आगे पास हो जाए। जो पीछे आरटीआई की बात आई है कि भाई आरटीआई में भी शिक्षा विभाग से जवाब मांगा कि सैलरी की फाइल कहां तक पहुंची है, तो कई अलग अलग जवाब आए, बहुत सारे, उसमें से दो इम्पोर्टेंट जवाब आए, तीन। पहला तो ये था कि भैया जो E5 में विचाराधीन है, तो भैया E5 में सैलरी का कोई लेना देना नहीं, कोई काम नहीं है, तो वो फेक था, मतलब गलत जानकारी दी गई। दूसरी आरटीआई में ये कहा गया कि सैलरी विचाराधीन है, शिक्षा विभाग में गेस्ट टीचर की सैलरी विचाराधीन है। तीसरी आरटीआई यही 2-4 दिन के आसपास में, उसमें लिखा हुआ कि गेस्ट टीचर की कोई फाइल ही नहीं बनी सैलरी की। तो भाई सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये कि जो फाइल ही नहीं बनी वो विचाराधीन कैसे हो सकती है, और अगर विचाराधीन है तो फिर फाइल नहीं बनी है ऐसा क्यों कहा गया, ऐसा क्यों जवाब मिल रहा, तो कह सकते हैं कि सब गोलमोल घुमाया जा रहा। फिलहाल कहाँ अटैक करना है, जहाँ पर फाइल विचाराधीन है वहाँ पर धावा बोला जाए, वहाँ पर बात की जाए, चाहे इजी तरीके से हो चाहे धरना प्रदर्शन हो। लेकिन ये तो बिल्कुल सच है कि पहले जब भी काम हुए हैं वो धरना प्रदर्शन से हुए हैं, क्योंकि धरने से क्या होता है, सरकार को अपनी छवि को खराब ना हो ऐसा वो भी बचाती है, तो क्योंकि सरकार को भी चाहिए भाई हमारी वाहवाही हो, और धरना जब होता है तो सरकार को दिक्कत आ जाती है ना। तो फिलहाल यही है कि सबसे पहले शिक्षा विभाग फाइल बनाए, सारा कुछ चाहे वो बातचीत करनी हो चाहे धरना करना हो वो आतिशी मर लेना शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्री के रूप में, और मनीष सिसोदिया जी जो कि फिलहाल शिक्षा मंत्री ना होने के बावजूद भी वो शिक्षा मंत्री के रूप में काम करेंगे, क्योंकि सारे काम फिलहाल वही करेंगे। सिग्नेचर भले आतिशी मैडम के हों लेकिन काम सिसोदिया जी करेंगे। सिसोदिया जी फिलहाल पदयात्रा पे हैं, लेकिन आतिशी मैडम के पास जाना चाहिए, चाहे वो एक दल जाए, है ना, साथ में सभी संगठनों को एकजुट हो जाना चाहिए, क्योंकि चाहे कोई भी संगठन काम करे सबका मकसद सैलरी बढ़ना हो, रीज्वाइनिंग हो और पॉलिसी बनना हो। अगर हम रीज्वाइनिंग की बात करेंगे तो भैया ये काम आराम से नहीं होगा, क्योंकि पीएफसी आएगी और पीएफसी में सीटों को बढ़ाने के लिए फोर्स करना पड़ेगा, जो छात्र शिक्षक अनुपात में उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट में लाने के लिए प्रेशर डालना पड़ेगा, और उसके बाद ही सीटें बढ़ेंगी तो जो साथी रिलीव हैं वो वापस आ पाएंगे। तो बस इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें ताकि सही चीज़ सभी लोगों को पता चले, कुछ लोग गुमराह ना करें, सही जानकारी आपके पास होनी चाहिए। वीडियो में कमेंट जरूर करें कि आपको क्या लगता है,
अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयरिंग कीजिए, एकजुट होकर के रहिए, यूनिटी में रहेंगे तो कोई तोड़ नहीं सकता, और ऐसे अलग अलग काम करेंगे तो भैया अलग अलग तोड़ना बहुत आसान होता है। जय।